महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप की रकम की वसूली के लिए एक अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों को भोपाल से अपहरण कर भिलाई लाया गया और भिलाई के सुपेला में एक होटल में उन्हें अपहरण कर रखा गया। इसकी सूचना अपहरण युवक के धमतरी निवासी पिता ने सुपेला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जाल आरोपियों के चंगुल से दो युवकों को छुड़ा लिया है। इस मामले पर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग में इन दिनों एक बार फिर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर पुलिस की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में लगातार पिछले कुछ दिनों से दुर्ग पुलिस महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर रही है, तो वहीं ऑनलाइन सट्टा मामले में एक अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत दीपक नेपाली के गुर्गे ऑनलाइन ऐप में हुए घाटे को वसूलने के लिए भोपाल से दो युवकों का अपहरण कर भिलाई पहुंचे और सुपेला के होटल में छिपे हुए थे। सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी, लेकिन आरोपी भाग गए। पूरी रात पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कार व मोबाइल बरामद किया गया है। दरअसल पूरी घटना 22-23 जुलाई की रात धमतरी के रहने वाले रामकृष्ण साहू ने सुपेला टीआई दुर्गेश शर्मा को मोबाइल में सूचना दी कि उनके पुत्र योगेश साहू व उनका दोस्त सन्नी सिन्हा को कुछ लोगों ने भोपाल से बंधक बनाकर भिलाई लेकर आए हैं, जिनको सुपेला के किसी होटल में रखा गया है, जहां अपहृत युवाओं से मारपीट की जा रही है तथा फिरौती की रकम की मांग भी की जा रही है, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम बनाई गई और अपहृतों को सफलतापूर्वक व सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस को आता देख उस समय आरोपी भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से चारों को कुछ ही दूरी पर जाल बिछाकर पकड़ लिया गया। घटना में सम्मिलित प्रमुख चार आरोपी शाहरुख खान, चंद्रेश वर्मा, राहुल सिन्हा, आकाश साहनी को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त मोबाइल, कार, मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ये सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बीती रात सुपेला थाना प्रभारी को एक फोन आता है कि दो व्यक्ति जो कि धमतरी के रहने वाले हैं, उनको भोपाल से कुछ लोगों के द्वारा जो कि यहां से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया, जिस पर से तत्काल एक क्राइम ब्रांच और थाने की टीम बना दिया गया था, जिसमें सीनियर अफसर भी इन्वॉल्व थे। और दोनों लड़कों को जो कि अपहरण हुए थे, भोपाल से अपहरण किया गया था। ये भोपाल में रहकर महादेव पैनल ऐप संचालित कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई के बाद से उनका पैनल बंद था और ये भोपाल में ही छुपे छुपे रह रहे थे। लेकिन जो पैनल देने वाले लोग हैं, जो कि हमारे चार आरोपी इस मामले के, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि पुलिस का की कार्रवाई दिखाकर पैसे को हड़प लिया गया है, उस पर से इनको अपहरण करके दबाव बना रहे थे पैसा वापस करने पर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को रेस्क्यू किया है, चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कार, मोटरसाइकिल आदि चीज़ों को भी बरामद हुई है। और जो रेस्क्यू हुए लोग हैं, धमतरी करने वाले हैं, जो आरोपी हैं, आरोपी यहीं के हैं, महादेव संचालन में भी इनका पुराना रोल रहा है। और इस मामले में पैनल का संचालन 3 लाख रुपए का लेन देन की बात कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, पूछताछ जारी है। अभी चार लोगों के अलावा भी कुछ लोग शामिल हैं, इस बारे में कह पाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन हो सकता है कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, वो हम जांच कर रहे हैं। 3 लाख रुपए के फिरौती का इनकी बात इनके द्वारा कही जा रही थी, 3 लाख रुपए हम इनको चाहिए था, उसी पर से इनको अपहरण करके यहाँ लाए थे। अभी इन्वेस्टिगेशन के बहुत इनिशियल स्टेज पर है, हमारा पहला काम तो रेस्क्यू करना था, रेस्क्यू कर लिया गया है दो लड़कों को, और अब बाकी की कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन, तथ्यों की पूछ परख आदि चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।